Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that a Young Minds Academy. My name is Ritesh, I am your English coach, and today I am going to start Act 2, Scene 6. Before starting this, I would like to हम लोग एक short revision कर लें. हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक Act 1, Scene 1, 2, 3 complete किया. Act 2, Scene 1, 2, 3, 4, 5 complete किया, right? तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने Merchant of Venice में किया, इसमें आप में से किसी को भी कोई भी problem, कोई भी issue, कोई भी doubt, a very good afternoon, Redhi, Udita, Ishan, Arpit, Harshali, Rajni, Shantanu, Sakshi, Dakshita, Nikhil, Reena, वैष्णवी, जितेंद्र, आजवी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. तो अभी तक बेटा जितना भी हम लोगों ने किया, किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड ऑन द बिहाफ ऑफ यंग माइंड्स एकेडमी कि जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको लिखिए. प्लीज राइट टू अस, राइट? तभी तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स होगी इसको हम रिजॉल्व करेंगे, राइट? तो हम लोग गुड आफ्टरनून शाश्वत, जूही, अभी तक का जितना किया था क्लियर है सभी को? मेरी वॉइस ऑडिबल है और बोर्ड विजिबल है सभी को, राइट? एनी प्रॉब्लम? शांतनु, नो प्रॉब्लम, दैट्स ग्रेट शांतनु, इट्स नाइस टू हियर फ्रॉम यू बडी. ओके, तो शैल आई स्टार्ट? Fine. Act 2, Scene 6. ये सीन वेनिस का है, बिफोर शैलॉक्स हाउस, शैलॉक के घर के सामने का, और एंट्री हो रही है ग्रेशियनो सिलारनो, जो कि मास्क्ड है, जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है. अब देखते हैं ग्रेशियनो क्या बोलता है. दिस इज द पेंट हाउस. पेंट हाउस लाइक पॉर्च, शेल्टर आप कह सकते हैं, अंडर विच लोरेंजो डिजायर्ड अस टू मेक स्टैंड. अब ग्रेशियनो कहता है कि यहीं पर तो इसी पॉर्च के नीचे तो लोरेंजो ने हम लोग को वेट करने के लिए बोला था. अब देखिए सिलारेनो क्या कहता है. हिस आर इज ऑलमोस्ट पास, मगर जो टाइम उसने दिया था वो टाइम तो निकल चुका है. फिर ग्रेशियनो कहता है, एंड इट इज मार्वेल ही आउट ड्वेल इज आर फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक. कहता ये कैसे हो सकता है कि उसको समय का ध्यान ना दिया दिया हो, क्योंकि जो लवर होते हैं वो तो अपनी डेस्टिनेशन पे टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं. यहां पे ग्रेशियनो कह रहा है कि लवर तो अपने टाइम पे पहले ही पहुंच जाते हैं, और लोरेंजो तो टाइम से लेट हो गया, अभी तक नहीं आया. Oh, 10 times faster Venus pigeons fly to seal the bonds you made than they are wont to keep obliged faith unforfeited. अब इसका मतलब समझते हैं. Venus भगवान, उनके जो पिजन कबूतर होते हैं जो उनकी गाड़ी को खींचते हैं, वो 10 गुना तेज चलते हैं अपनी जगह पे पहुंचने के लिए, जहां पे जो लवर्स हैं उनका प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, मगर लोरेंजो तो लेट है. देखिए ग्रेशियनो कैसे एग्जाम्पल्स दे रहा है अपनी बात पे. फिर ग्रेशियनो, दैट एवर होल्ड्स हु राइजेस फ्रॉम अ फीस्ट विद दैट कीन एपेटाइट देन ही सिट्स डाउन. मतलब इसका मतलब समझ लेते हैं. अगर कोई इंसान जो भूखा है जब वो खाने के लिए बैठता है तो जितनी भूख उसको होती है,
जिस भूख से वो खाने के लिए बैठता है, जब वो उठता है तो उतनी भूख उसको नहीं होती। मतलब नहीं समझे, फिर से समझाता हूं। ग्रेशियनो यहां पे कह रहा है दैट एवर होल्स हु राइजेथ फ्रॉम अ फीस्ट, जब कोई इंसान खाने से फीस्ट से उठता है तब उसकी अनपेट उसको उतनी भूख नहीं होती जितनी की भूख उसको बैठने के टाइम पे होती है। और इजी भाषा में इसको समझा दूं, हम अगर जो कोई चीज हम जिसको पाना चाहते हैं तो उस चीज को हासिल करने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, उस चीज को पाने के बाद उसको रखने उसको मेंटेन रखने के लिए हम उतने एफर्ट्स नहीं लगाते। इनडायरेक्टली ग्रेशियनो यहां पर यही बताना चाह रहा है। वेयर इज द हॉर्स दैट डोथ अनट्रीट, अगेन अनट्रीट का मतलब है रिट्रेस हिज स्टेप। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट, ऑल थिंग्स दैट आर विथ मोर स्पिरिट चेज देन एंजॉयड, हाउ लाइक यंगम और अ प्रोडिगल। मतलब यहां पर ग्रीष्म बोल रहा है जो घोड़ा होता है जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है तो जिस एनर्जी के साथ वो दौड़ रहा होता है और जब वो रिटर्न होता है तो उतनी एनर्जी उसमें नहीं होती। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिएगा, हम अगर किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स और मेहनत करते हैं, मगर जब वो चीज हमें मिल जाती है तो उसको मेंटेन रखने के लिए हम एफर्ट्स नहीं लगाते। तो यहां पर इनडायरेक्टली वो लोरेंजो को टॉन्ट भी मार रहा है, ठीक है। और यहां पर वो लोरेंजो को हाउ लाइक यंगर अ यंग मैन और अ प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब अ पर्सन हु स्पेंड्स अ लॉट। आगे देखते हैं, द स्काफ्ड बार्क पुट फ्रॉम अ नेटिव बे हग एंड एम्ब्रेस्ड बाय द वॉन्टन विंड, हाउ लाइक अ प्रोडिगल डज शी रिटर्न विथ ओवर वॉटर रिप्स एंड रैग्ड सेल्स लीन रेंच एंड बेगर्ड बाय द वॉन्टन विंड। अब यहां पर एक शिप की बात हो रही है, जब एक शिप निकलती है तो उसके सेल्स विंड में लहराते हुए निकलते हैं, मगर जब वो शिप वापस आती है तो वो बिल्कुल टूटी फूटी, उसके सेल्स के जो क्लॉथ कपड़े होते हैं वो बिल्कुल फटे हो पुराने हो जाते हैं। मतलब जो चीज जा रही है जिस स्पीड जिस एनर्जी के साथ जा रही है उस सेम एनर्जी सेम स्पीड के साथ उस वो वापस नहीं होती। तो यहां पर सिलारिनो बोलता है हियर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ दिस हियर आफ्टर। मोर ऑफ दिस हियर आफ्टर का मतलब ये देखो लोरेंजो आ गया, अब इस बारे में बात हम बाद में करेंगे, इस बारे में बात हम बाद में करेंगे। और एंट्री होती है लोरेंजो की। अब लोरेंजो जो कि लेट है, जिसके पीठ पीछे इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो देखिए वो आकर क्या कहता है। लोरेंजो बोलता है स्वीट फ्रेंड्स योर पेशेंस फॉर माय लॉन्ग अबाउट, मतलब मेरे दोस्तों मेरे लेट आने में तुम लोगों ने जो पेशेंस रखा, नॉट आई मगर मैं लेट नहीं हुआ, मगर मैं लेट किससे हुआ, बट माय अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब आप कह सकते हैं बिजनेस मैटर्स, अफेयर्स का मतलब आप कह सकते हैं बिजनेस मैटर्स, हैव मेड यू वेट, मेरे काम की वजह से मैं लेट हो गया जिसकी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। एंड व्हेन यू शैल प्लीज टू प्ले द थीव्स फॉर वाइफ्स, और जब तुम लोग अपनी वाइफ को मास्क, मतलब जब तुम लोग अपनी मेरी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जब तुम लोग होगे, जब तुम लोग अब ऐसा करोगे, हियर I'll watch as long for you then. तो मैं भी तुम लोग के लिए उतना ही वेट करूंगा जितना तुम लोगों ने आज मेरे लिए किया। उसके बाद लोरेंजो बोलता है Here dwells my father Jew. ये मेरे फादर इन लॉ Jew शैलो, क्योंकि जेफ शैलो की बेटी जेसिका से ही लोरेंजो प्यार करता था। हो who's within? तभी जेसिका की एंट्री होती है अबव इन बॉयज क्लोज, और जेसिका ने एक लड़के के कपड़े पहने हुए थे, शी इज इन बॉयज क्लोथ। अब देखो जेसिका तेबान क्या बोलती है, जेसिका कहती है हु आर यू,
अब वो लोरेंजो को, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, अंधेरा था, तो वो बोलती है, हु आर यू, तुम कौन हो, टेल मी, बताओ, फॉर मोर सर्टेनिटी, एलबीट ऑल दो, जबकि मैं कसम खा के कह सकती हूं आई डू नो योर टंग, मुझे तुम्हारी आवाज तो मैं कसम खा के कह सकती हूं, मैं पहचान रही हूं, फिर भी तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। तो लोरेंजो कहता है, लोरेंजो योर लव, दाय मतलब योर, मैं लोरेंजो हूं, तुम्हारा प्यार हूं। जैसे क्या कहती, लोरेंजो सर्टेन एंड माई लव इंडीड, हाँ हाँ मेरा प्यार लोरेंजो, फॉर हु आई लव सो मच, जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, एंड नाउ हु नोस बट यू लोरेंजो वेदर आई एम योर्स, मगर अब तुमको मालूम है, मतलब अब तुम, ये बात तो अब देखिए, वो एक क्वेश्चन के तरीके से, वो सवाल के तरीके से पूछ कह रही है लोरेंजो से, जैसे का कह रही है कि बट अब तो तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारी हूं कि नहीं, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो तुम ही जानते हो, मतलब शी इज इन डाउट। तो यहां पे अपने लवर लोरेंजो से कह रही है, अब तुम ही जानते हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। फिर लोरेंजो, जब जेसिका ने ऐसी बात बोली तो लोरेंजो जवाब क्या देता है, हेवन एंड दाय थॉट्स वर विटनेस दैट दो आर्ट, मतलब भगवान और तुम खुद जानती हो कि मैं कितना प्यार करता हूं तुमसे। फिर जेसिका कहती है, हियर कैच दिस कैस्केट, इस बैग को पकड़ो, इट इज वर्थ द पेन, इसको उठाने में जितना दर्द होगा उससे ज्यादा वर्थफुल है ये, क्यों, क्योंकि इसके अंदर पैसे हैं, मनी है। आई एम ग्लैड दिस नाइट यू डू नॉट लुक ऑन मी, और जेसिका बोलती है, मैं खुश हूं कि आज रात तुम मुझे देख नहीं पाओगे, देख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको शर्म आ रही थी, क्योंकि वो बॉयज क्लोथ में थी। फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब यहां पर है चेंज ऑफ क्लोथ्स, एक्सचेंज का मतलब है चेंज ऑफ क्लोथ्स, बट लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी, मगर प्यार तो अंधा होता है और जो लवर्स है वो ये छोटी मोटी चीज नहीं देखते। द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, मतलब ये जो स्मॉल एक्ट ऑफ फुलिशनेस है, मतलब मैं अंधेरा है, मैं बॉयज क्लोथ में हूं तो मुझे नहीं देख सकते, मगर लवर ये छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर देखिए आगे क्या होता है, फॉर इफ दे कुड क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश, और अगर इस ड्रेस में, अगर क्यूपिड गॉड ऑफ लव, क्यूपिड का मतलब द गॉड ऑफ लव, अगर जो कि अंधे हैं, ब्लाइंड होते हैं, क्यूपिड गॉड ऑफ लव जो कि ब्लाइंड है, अगर वो भी मुझको आज देखते तो वो भी शर्मा जाते, टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय, वो भी शर्मा जाते। तो लोरेंजो क्या कहते हैं, डिसेंट फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बियरर, कैन जल्दी आओ, आज तुम मेरी टॉर्च बियरर हो। जैसे कहती, वॉट, क्या, मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स, क्या तुम चाहते हो कि मैं कैंडल होल्ड करूं, और तुमको मालूम है कि मुझे ऑलरेडी बहुत शर्म आ रही है इस कपड़े में, और जिसकी वजह से अगर मैंने कैंडल होल्ड किया तो मुझे हर आदमी पहचान लेगा, हर आदमी देख लेगा, दे इन देमसेल्फ गुड सूट आर टू लाइट, वाई इज एन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड, और अपने प्यार को तो छुपाना चाहिए, दुनिया को दिखाना थोड़ी चाहिए, और तुम चाह रहे हो कि मैं कैंडल होल्ड करूं जिससे मुझे सब देख ले, पहचान ले। तो लोरेंजो क्या बोलता है, लोरेंजो रिप्लाई करता है, सो आर यू स्वीट इवन इन द लवली गार्निश, सो आर यू स्वीट इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय, कहते तुम बहुत अच्छी लग रही हो इस कॉस्ट्यूम में, लड़के के ड्रेस में, बट कम एट वंस, जल्दी आओ, फॉर द क्लोज नाइट, क्योंकि रात खत्म होने वाली है, और इसी, और यहां पर क्लोज नाइट का मतलब है नाइट दैट हाइड्स आर सीक्रेट, इसी रात में तो हम अपना सीक्रेट छिपा रहे हैं, रात खत्म होने वाली है, डट प्ले द रन अवे, हमें जल्दी यहां से निकलना है, एंड वी आर स्टेट फॉर आर बिसानियोस फीस्ट, और हमारा इंतजार बिसानियो के, यहां पर हमें डिनर पे भी जाना है, वहां पर हमारा इंतजार भी हो रहा है, जल्दी आओ। फिर देखिए जैसे का क्या बोलती है,
जैसिका कहती है आई विल मेक फास्ट द डोर्स. अब फास्ट का मतलब यहां पर है लॉक, मैं जल्दी से डोर्स बंद कर देती हूं. एंड गिल्ड माई सेल्फ विथ सम मोर डुकेट्स, और मैं और पैसे थोड़े बहुत और पैसे ले आती हूं. एंड बी विथ यू स्टेड, और फिर तुम्हारे साथ तुरंत निकलती हूं. उसके बाद वो चली जाती है ऊपर अपने घर के अंदर. फिर ग्रिशेनु बोलता है नाउ बाय माई होल्ड अ जेंटाइल एंड नो जू, कहते मैं अपनी ये जो मैंने मार्क्स कपड़े पहने हुए हैं मैं इनकी कसम खाकर कह सकता हूं कि ये बहुत ही जेंटल लेडी है. ये जीव नहीं है, ये बहुत ही जेंटल है, ये जीव नहीं हो सकती, ये बहुत अच्छी इंसान है. अब देखिए लोरेंजो इस बात पर क्या जवाब देते हैं. लोरेंजो कहता है बिश्रू मी बट आई लव हर हार्टली, मतलब मुझे बहुत कर्स मी इफ अगर अगर मैं मुझे कर्स अगर मैं तुम्हारे जैसा हूं अगर मैं झूठ बोलूं कि मैं इसको दिल से मगर प्यार ना करूं तो. मतलब बिश्यू मी कर्स मी फ्यू लाइक, तुम मुझे कर्स करो जैसे भी तुम चाहते हो बट आई लव हर हार्टली, मैं इसे दिल से प्यार करता हूं. क्यों? शी इज वाइज, बहुत इंटेलिजेंट है. इफ आई कैन जज ऑफ, अगर मैं इसको जज करूं तो बहुत इंटेलिजेंट है. एंड फेयर शी इज, इज दैट माइन आई बी ट्रू, अगर मेरी आंखें सच बोल रही हैं तो बहुत ही फेयर बहुत काइंड है. अब यहां पर आइस मी टू का मतलब फेथफुल है, बहुत ही भरोसे लायक है. एंड ट्रू शी इज एज शी हैथ प्रूव्ड हरसेल्फ, और ये कितनी अपने प्यार को लेके लॉयल है, सच्ची है, ये तो उसने आज प्रूफ कर ही दिया. ये तीन क्वालिटीज लोरेंजो ने जैसिका की दर्शनों को बताई. आगे देखते हैं. एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ वाइज इंटेलिजेंट फेयर फेथफुल ट्रू लॉयल, तीन क्वालिटीज बताई. शैल शी बी प्लेस इन माई कॉन्स्टेंट सोल, और ये हमेशा मेरे दिल में रहेगी. तभी जैसिका की नीचे एंट्री होती, जैसिका आ जाती है. वॉट आर डो कम ओ जेंटलमैन अवे, कहता जल्दी आओ हम लोग को यहां से चलना है. आर मास्किंग मेट, आर मास्किंग मेट कौन होते हैं? आर फ्रेंड्स हु आर टेकिंग पार्ट इन द मास्क, मतलब लोरेंजो के वो सारे दोस्त जो मास्क में उस मास्क टुनाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बाय दिस टाइम फॉर अ स्टे, उसके बाद जेसिका सिलारेनो बाकी सब चले जाते हैं. अब एंट्री होती है एंटोनियो की, अब एंट्री होती है एंटोनियो की. हूज देयर, कौन है वहां पे? ग्रेशियानो बोलता है सीनियर एंटोनियो, एंटोनियो मैं हूं. एंटोनियो मतलब शर्म आनी चाहिए तुम्हें, फाइव फाइव शेम शेम. ग्रेशियानो वेयर आर ऑल दी रेस्ट, बाकी लोग कहां हैं? दिस 9 o'clock, 9 बज चुके हैं. आर फ्रेंड्स ऑल स्टे फॉर यू, मेरे सारे दोस्त तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं. नो मार्क्स टू नाइट, और आज की रात कोई मार्क्स नहीं होना है. द विंड इज कम अबाउट, क्योंकि जो हवा है विंड है, विंड हैज चेंज हिज डायरेक्शन, विंड ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है. और बेसेनियो अब अभी बेसेनियो जो है वो बाहर जा रहा है. बेसेनियो विल गो अब्रॉड, वो बाहर जा रहा है. आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू, मैंने करीब 20 लोग भेजे हैं तुम लोग को देखने के लिए. कहां थे तुम लोग? और इट हाई हेलो तनीषा या रौनक, हेलो तनीषा सोनी बोल लिया रौनक. अब बेटा थोड़ा वीडियो पे भी ध्यान दो. अब ग्रेशियानो ये सुनने के बाद बड़ा खुश हो जाता है, और ग्रेशियानो कहता है आई एम ग्लैड ऑन इट, मतलब वो खुशी अपनी जाहिर करता है. डिजायर नो मोर डिलाइट, मतलब ये चीज से ज्यादा कोई और चीज मुझे खुशी नहीं कर सकती. क्या? ही लव्स टू sail on the boat, on the ship, right? He loves to travel on ship than to be under sail and gone tonight. मतलब इस चीज से ज्यादा मुझे और कोई चीज खुशी नहीं दे सकती कि आज की रात मैं ship से जाऊंगा. तो यहां पर हमारा act 2 scene 6 complete होता है. तो रौनक, तनिषा, उदिता, रिदिम, मिस थॉमस, उदिता, वैष्णवी,
दीक्षा, आजमी, गजेंद्र, अर्पित, शाश्वत, शांतनु, जूही, वीना, ईशान, हर्षाली, रजनी, साक्षी, निखिल। बेटा सबको समझ में आया? एक्ट टू सीन सिक्स हमने कंप्लीट किया। हैव यू अंडरस्टूड? इफ यस देन टाइप यस सर, इट्स क्लियर। यस सर, आई हैव अंडरस्टूड। कम ऑन फास्ट। ग्रेट, गुड। अब हम लोग चलते हैं एक्ट टू सीन सेवन पर। यह सीन बेलमोंट का है, अ रूम इन पोर्शियाज हाउस, पोर्शिया के घर के कमरे का। फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स, फ्लरिश ऑफ कॉर्नेट्स वी ऑल नो, जब कोई राजा आता है तो ड्रम प्ले होते हैं, उनके आगे उनके फॉलोअर्स चलते हैं। पोर्शिया की एंट्री होती है, प्रिंस ऑफ मोरक्को की एंट्री होती है, और प्रिंस ऑफ मोरक्को के साथ उनके भी फॉलोअर्स आते हैं इस सीन में, एक्ट टू सीन सेवन में। अब पोर्शिया बोलती है, गो ड्रॉ असाइड द कर्टेंस, पर्दे हटा दो, डिस्कवर, और सामने जो थ्री कैस्केट हैं उसे सामने डिस्क्लोज कर दो। द सेवरल कैस्केट्स टू दिस नोबल प्रिंस, ये नोबल प्रिंस कौन है? प्रिंस ऑफ मोरक्को। नाउ मेक योर चॉइस, अब वो प्रिंस ऑफ मोरक्को से कहती है, नाउ यू कैन मेक योर चॉइस। उसने पर्दे हटवा दी कैस्केट से, नाउ कैस्केट्स आर ओपन टू चूज, नाउ यू कैन मेक योर चॉइस। अब मोरक्को की स्पीच देखिए, द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स, ऑल राइट, तो पहला कैस्केट जो है वो गोल्ड है, और इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन जिस पर जो लिखा हुआ, ग्रेव किया हुआ है, यहां पे हु का मतलब है विच, यहां पे जो द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु, तो हु का मतलब है विच। अब गोल्ड पे क्या लिखा है, हु चूज इट मी शैल गेट व्हाट मैनी मैन डिजायर, जो मुझको चूज करेगा उसको वो चीज मिलेगी जो बहुत सारे लोग जिसकी चाहत रखते हैं, मतलब जो बहुत सारे लोग जिस चीज को पाना चाहते हैं, जो मुझको चूज करेगा उसको वो चीज मिलेगी। द सेकेंड सिल्वर विच द प्रोमिस कैरीज, सिल्वर कैस्केट में लिखा है, हु चूज इट मी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व, और जो मुझको चूज करेगा उसको उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। तो पहला गोल्ड बोलता है, जो मुझे चूज करेगा उसको वो मिलेगा जो बहुत सारे लोग की डिजायर है, बहुत सारे लोग की इच्छा है। सिल्वर कहता है, जो मुझको चूज करेगा उसको वो मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है। एंड द थर्ड डल, लेट, लेट के पहले उसने डल बोल दिया, विथ वार्निंग ऑल इज ब्लंट, और इसमें तो ब्लंट मतलब साफ साफ वार्निंग लिखी हुई है, चेतावनी लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं हम लोग, हु चूज विथ मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, और जो मुझको चूज करेगा, लेट कैस्केट बोलता है उस पर जो लिखा हुआ है, जो मुझको चूज करेगा उसको अपनी सारी चीज रिस्क पे लगानी होगी, मतलब जितना कुछ उसके पास है उसको सब रिस्क पे लगा देना होगा जिसने मुझे चूज किया। हाउ शेल आई नो इफ आई डू चूज द राइट, अब यहां पे मोरक्को पोर्शिया से एक सवाल पूछता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही कैस्केट, कौन सा सही कैस्केट, मैंने सही कैस्केट चूज किया कि नहीं। भाई देयर आर थ्री कैस्केट, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड, एंड हिज क्वेश्चन इज, ही वॉन्ट्स टू नो लाइक, उसको कैसे पता चलेगा विच वन इज राइट, राइट। तो पोर्शिया का रिप्लाई क्या होता है, अब ये देखिए, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इन तीनों कैस्केट्स में से एक कैस्केट्स कंटेन्स माय पिक्चर, उसके अंदर मेरी पोर्ट्रेट है। एंड इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स विथ ऑल, और अगर आपने वो कैस्केट, राइट कैस्केट चूज किया तो आई एम योर्स, मैं आपकी हूं, मेरी शादी आपसे होगी।
अब मोरक्को थोड़ा सा यहां पे नर्वस हो जाता है. सो गुड गॉड डायरेक्ट माय जजमेंट. भगवान यहां पे ही सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड. भगवान मुझे मेरी हेल्प करे सही कैरेक्टर चूज करने में. लेट मी सी, चलो मैं देखता हूं. आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शंस बैक अगेन. एक बार रिवर्स ऑर्डर में मैं फिर से सारे इंस्क्रिप्शन देखता हूं जो सारे कैस्केट्स पे लिखे हैं. व्हाट सेज दिस लेडन कैस्केट रिवर्स ऑर्डर. पहले उसने स्टार्ट किया था सिल्वर गोल्ड लेड से, रिवर्स हुआ उल्टा, लेड सिल्वर गोल्ड, तो लेड कैस्केट की बात कर रहा है. हु चूज़ मी मस्ट गिव एन हैज़र्ड ऑल ही हैथ. मतलब जिसके पास जो मुझे चूज करेगा उसके पास उसको अपनी सारी चीज रिस्क पे लगानी होगी. मस्ट गिव फॉर वॉट फॉर लेड हैज़र्ड फॉर ऑल. मतलब इस लेड के लिए उसको अपनी सारी चीज दांव पर लगानी होगी, वो भी इस लेड के लिए. फिर मोरक्को बोलता है दिस कैस्केट threatens, ये तो डरा रही है ये कैस्केट. मैन दैट हैज़र्ड ऑल डू इट इन होप ऑफ फेयर एंड एडवांटेजेस. तो एक आदमी इस लेड कैस्केट के लिए अपनी सारी चीजें दांव पर क्यों लगाएगा जिसमें सिर्फ रिस्क है, हैज़र्ड है. अ गोल्डन माइन स्टूप्स नॉट टू चोज ऑफ ड्रॉज. और कोई आदमी इस वर्थलेस चीज के लिए तो अपनी सारी चीज दांव पर लगाएगा नहीं. आई देन नॉर गिव नॉर हैज़र्ड ऑट फॉर लेड. तो मैं इस लेड के लिए ना ही कुछ दूंगा ना ही रिस्क पे कोई चीज लगाऊंगा. फिर वो आ जाता है सिल्वर पे. वॉट से यार रौनक, यू वॉन्ट टू से समथिंग? यू हैव डिलीटेड टू मैसेजेस. एनी क्वेश्चन माय डियर? अब सिल्वर कैस्केट क्या है? वॉट से द सिल्वर विद अ वर्जिन यू. वर्जिन यू का मतलब व्हाइट कलर. सिल्वर चांदी आपने देखा होगा बिल्कुल सफेद चमकता हुआ रंग है, तो सिल्वर कलर का मतलब यहां पे व्हाइट कलर है. जो एच यू ई यू है इसका मतलब है कलर, व्हाइट कलर. हु चूज इट वी शैल गेट एज मच एज ही डिजर्व. जो मुझे चूज करेगा उसको वो सारी चीजें मिलेगी जो वो डिजर्व करता है. एज मच एज ही डिजर्व, कहता है उसको उतना मिलेगा जितना वो डिजर्व करता है. उसके बाद मोरक्को रुकता है, पॉज लेता है. एंड वे द वैल्यू विथ एन इवन हैंड इफ दो बेस्ट वेटेड बाय एन एस्टिमेशन दो डज डिजर्व इनफ एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी एंड येट टू बी अफियर ऑफ माई डिजर्विंग. मतलब अब अपने अपनी अपने बारे में वो बात कर रहा है अपने आप में. तो क्या मुझे वो मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूं? वो तो अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझता है मोरक्को. आपने स्टार्टिंग में ही इसकी स्पीच में देखा होगा मोरक्को ने अपने बारे में कितनी सारी चीजें बताई थी. ही इज लाइक अ सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन, राइट? वर बट अ वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ As much I deserve. Why? That's a lady. I do in birth deserve her. And in fortunes, in graces, and in qualities of breeding. But more than these, in love I do deserve. अब देखिए उसने अपने deserve में कितनी चीजें बताई. उसने बोला क्या मैं जो deserve करता हूं, मैं तो सबसे ज्यादा deserve करता हूं इस lady को. क्यों? क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूं मैं तब से इस lady को deserve करता हूं. मेरा luck, मैं बहुत lucky हूं. मेरे पास मेरे अंदर नेचुरल वर्च्यूज है, क्वालिटीज है, मैं डिजर्व करता हूं. क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग, मैं जो पला बड़ा हूं, आई एम अ प्रिंस, मैं डिजर्व करता हूं. और सबसे ज्यादा मैं इस लेडी से बहुत प्यार करता हूं. एंड वॉट इफ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट चोजर. और वॉट इफ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट चोजर मतलब अब इधर उधर मुझे कहीं जाना नहीं, मुझे बस इस लेडी को चूज करना है, तो मैं वो कौन सा कैस्केट चूज करूंगा. फिर वो आगे बढ़ जाता है. लेट मी सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड. अब देखते हैं इस गोल्ड कैस्केट पे क्या लिखा है. हु चूजेस मी शैल गेट व्हाट मेनी मेन डिजायर. जो मुझको चूज करेगा उसको वो चीज मिलेगी जो बहुत सारे लोग चाहते हैं.
वाई देट इज द लेडी ऑल द वर्ल्ड डिजायर सर। और बिल्कुल सही बात है, पूरी दुनिया पोर्शिया से शादी करना चाहती है। फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हर डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं पोर्शिया, दे वॉन्ट टू वू पोर्शिया, दे वॉन्ट टू मैरी पोर्शिया, सब आ रहे हैं। To kiss this shrine, this mortal breathing saint, the Hyrcanian deserts and the vasty wilds. अब यहां पर desert का मतलब है रेगिस्तान। रेगिस्तान आपने देखा होगा हमेशा बंजर रहता है, खाली रहता है, मगर लोग इतनी दूर दूर से पोर्शिया से शादी करने आ रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ है जितनी वहां के मार्केट्स में होती है। कितने सारे लोग पोर्शिया से शादी करने के लिए चारों डायरेक्शन से आ रहे हैं। देखिए, of wide Arabia are as through fields now for princes to come view fair Portia. मतलब अरेबियन वहां का जो मेन रोड है वो इतनी, जैसे अरेबिया की जो मेन रोड में हमेशा इतनी जो भीड़ भाड़ होती है वो इतनी ज्यादा लोग आ रहे हैं कि डेजर्ट को भी इससे कंपेयर कर दिया कि सब भरे हुए हैं जितने कि यहाँ की मार्केट भरी है। जो क्यों आ रहे हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू फॉर प्रिंसेस टू कम व्यू फॉर पोर्शिया, पोर्शिया से शादी करने के लिए आ रहे हैं इतनी डायरेक्शन से। फिर देखियो क्या बोलता है, द वॉटरी किंगडम हुज एम्बिशियस हेड स्पिट्स इन द फेस ऑफ हेवन इज नो बार टू स्टॉप द फॉरेन स्पिरिट्स बट दे कम। मतलब समुंदर, समुंदर जहां पे पानी की इतनी बड़ी बड़ी लहरें चलती हैं, खतरनाक होता है, मगर लोग इतने डायरेक्शन से आ रहे हैं, इतना पार करके आ रहे हैं कि उनको तो वो एक नॉर्मल सी लग रही है। रीजन, वो पोर्शिया से शादी करने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब आप इसको यहां पे इस पौरको की स्पीच से ये पता चल रहा है कि लोग कितने ज्यादा पोर्शिया से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड ओवर अ ब्रुक टू सी फेयर पोर्शिया एंड वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर। और इन तीनों में से, इन तीनों कैस्केट में से किसी एक में पोर्शिया की पिक्चर है। फिर देखिए मोरोको क्या बोलता है, इट्स लाइक दैट लेड कंटेन सर, इट वॉज डैमनेशन। क्या लेड में पोर्शिया हो सकती है? टू थिंक सो बेस अ थॉट, इट वॉज टू ग्रॉस। नहीं नहीं, ये तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी। टू रेब अ केव फ्लोथ, भाई ये जो लेड कैस्केट है ये तो उसके कफन के कपड़े के जैसा है। और शैल आई थिंक इन सिल्वर चीज इम्ब्यूड, क्या ये सिल्वर कैस्केट में लेड हो सकती, सिल्वर कैस्केट में लॉक्ड है इसकी पिक्चर? फिर वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ब्रिंग 10 times अंडर वैल्यूड टू ट्राइड गोल्ड, ये तो सोने से गोल्ड से 10 गुना सस्ता है, इसमें भी नहीं हो सकती। ओ सिंपल थॉट, ये तो सोचना भी पाप है पोर्शिया के लिए। नेवर सो रिच अ जेम, वी सेट इन वर्स देन गोल्ड दे हैव इन इंग्लैंड, अ कॉइन दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल। और भाई सिल्वर गोल्ड की बात करें, गोल्ड में तो आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के सिक्के में भी जो कॉइन्स है गोल्ड नहीं सिल्वर के, उसमें ग्रेव्ड है, बट वो इसमें भी नहीं हो सकता, सिल्वर में भी नहीं हो सकता। Stamped in gold, but that's inscribed upon. But here an angel is in golden bed. हाँ, Portia golden casket में हो सकती है, golden bed पे हो सकती है. Lies all within. Deliver me the key. मतलब give me the key. मतलब Morocco is going to choose golden casket. तो चाबी मांगता है. And here do I choose and thrive as I may. As I may. कहता मैं choose करता हूँ golden casket. अब ये सुनने के बाद पोर्शिया से क्या कहती है, देयर टेक इट प्रिंस, ये लो चाबी, एंड इफ माय फॉर्म लाई देयर, अगर मेरी पिक्चर्स में हुई देन आई एम योर्स, फिर मैं आपकी हूं। उसके बाद प्रिंस ऑफ मोरोको को गोल्डन कैस्केट चूज करते हैं और उसको ओपन करते हैं देखने के लिए कि इसके अंदर क्या है। और जैसे ही वो कैस्केट को ओपन करते हैं क्या देखते हैं, ओ हेल व्हाट हैव वी हियर, क्या है, अ कैरियन डेथ, एक स्कल, एक खोपड़ी मिलती है।
विद इन हूज एम्प्टी आई, जिसकी आंखें खोखली होती हैं, हॉलो आई सॉकेट, आर देयर रिटन स्क्रोल, उन आंखों के जो खोखली आंखें उसके अंदर स्क्रोल है, स्क्रोल, आई रीड द राइटिंग, और मैं पढ़ता हूं उसमें जो लिखा है, उसके बाद वो पढ़ता है। अब देखिए उसमें क्या लिखा है, बचपन से आप सुनते हुए आ रहे हैं, ऑल दैट ग्लिस्टर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, बाहर से जो तुमने देखा जो चीज शाइन कर रही है, ब्राइट है, चमक रही है, तुमने उसको चूज किया, मगर कभी कभी वो अंदर से कुछ और निकलता है। इसलिए बहुत ही ओल्ड प्रोवर्ब है दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो यहां पे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये उस स्क्रोल के अंदर लिखा हुआ था। एंड ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल, और ये तुम सुन चुके हो, मैनी अ मैन इज लाइफ हैज सोल्ड बट माय आउटसाइड टू बी होल, बहुत सारे लोग बाहरी दिखावा की वजह से ही हार जाते हैं। गिल्डेड फिर उसमें क्या लिखा है, गिल्डेड टॉम्स डू वॉर्म्स इन फोल्ड, अब जो टॉम्स है, मकबरे हैं, जो गोल्ड के बने होते हैं, उनके अंदर होता क्या है, उसके अंदर जो मकबरे हैं उसके अंदर तो कीड़े मकोड़े ही चल रहे होते हैं। हैव यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, यंग इन लेम्स इन जजमेंट ओल्ड, और कितनी बार बताया जा चुका है, एंड योर आंसर हैड नॉट बीन इन स्क्रोल्ड, तुम्हारा जो जवाब जो तुमने चूज किया बिल्कुल बेवकूफी वाला है, सो फेयर यू वेल, गुड बाय, योर सूट इज कोल्ड, तुम हार चुके हो। कोल्ड इन डीड एंड लेबर लॉस, देन फेयर वेल हीट एंड वेलकम फ्रॉस्ट, पोर्शिया अड्यू आई हैव टू ग्रीव द हार्ट, उसके बाद ऑल राइट गुड बाय मोरको बोलता है, अब मैं इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए पोर्शिया गुड बाय, अब मुझे यहां पे दुखी मन से वापस जाना है। टू टेक अ टीडियस लीव, मैं इतना ज्यादा वो दुखी हो जाता है मोरो को कि वो फॉर्मल लीव भी नहीं ले पाता उससे, जैसे कि लूजर होते हैं, उसके बाद वो अपने फॉलोअर के साथ वहां से चला जाता है। फिर पोर्शिया कहती है, अ जेंटल रिडेंस, ड्रॉ द कर्टन्स, गो, लेट ऑल ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन चूजेस मी, को कहना अच्छा हुआ ये चला गया, कर पर्दे फिर से लगा दो, और लेट ऑल ऑफ हिज कॉम्प्लेक्शन चूज मी, सो लेट ऑफ ऑल हिज कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि मोरको का कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क था, उसे बहुत खुशी थी कि वो चला गया। यहां पर हमारा सीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्ट टू सीन 8 और 9, और कल स्टार्टिंग के 5 मिनट्स मैं एक शॉर्ट रिविजन आपका लूंगा एक्ट टू सीन 1, 2, 3 का। सो माई डियर स्टूडेंट्स, prepare yourself, work hard, and we meet tomorrow. Have a nice day. Bye-bye.